जाएगी। अगर हुकूमत वक्त लगाम कहती है तो दे, नहीं तो हम मैदानों में उतर आएंगे, उधमपुर तक, दादरी तक, हरियाणा तक, दिल्ली तक जाएंगे और कातिलों को खुद सजाएं देंगे। आरएसएस को दहशतगर्द तंजीम करार दिया जाए और यहाँ पे मौजूद पुलिस के कारिंदे, इंटेलिजेंस के कारिंदे, वो अपने कानों में इन बातों को डाल ले, मोबाइलों से रिकॉर्ड कर रहे हैं, डाल ले। यहाँ पे डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस वक्त आरएसएस की शाखाएं चल रही है, जहाँ पे वो हमारे यहाँ के हिंदू भाइयों को कमरलाइज कर रहे हैं, रेडिकलाइज कर रहे हैं, असलहा चलाने की, तलवारें चलाने की, बंदूकें चलाने की तरबियत दे रहे हैं। उन आरएसएस की शाखाओं को फौरन बंद करा दिया जाए। वो आरएसएस की शाखा डोडा के जोधपुर इलाके में चलती है, जहाँ पे यूपी का एक संगी, एक वैश्य दरिंदा आकर हमारे यहाँ के गांव के सीधे साधे, हमारे शहर के बोले बोले हिंदू को कम्युनलाइज कर रहा है, उकसा रहा है, भड़का रहा है, कत्लोगारत की। अगर यहाँ की पुलिस, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन उन आरएसएस की शाखाओं को, चाहे वो तोंदवा में चल रही हो, चाहे वो दुर्गानगर में चल रही हो, चाहे जोधपुर में चल रही हो, चाहे भागवाया देसा में चल रही हो, अगर बंद करा सकते हैं तो कराए, नहीं तो इंशाल्लाह फर्जंदान तौहीद खुद इन शाखाओं को बंद कराए। और यहाँ के हिंदू भाइयों से भी मैं अपील करता हूँ, डोडा अमनो अमान का भाईचारे का त्यौहारा था, ये भाईचारे का त्यौहारा रहना चाहिए। आप बाहर से किसी आए हुए दरिंदे को, वैशी को अपने अंदर जगाना दो, बनाना दो, उसको अपनी